हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो और आई एम डॉक्टर सौम्य श्रीवास्तव। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे अभी एक्टिवली नहीं थी, बहुत कम वीडियोस ही अपलोड कर पा रही थी और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी कम मिल पा रही थी क्योंकि मैं अपने न्यू क्लिनिक के सेटअप में बिजी थी। मैंने अपना जो क्लिनिक है वो लखनऊ में नई जगह शिफ्ट किया है, नई जगह उसको ओपन किया है। सो अभी जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो शूट करती थी वो अपने मैंने पुरानी क्लिनिक में शूट करती थी एंड अब जो मैं नए वीडियो शूट करूँगी वो अपनी नई क्लिनिक में शूट कर रही हूँ। जो अभी मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं वो मेरी न्यू क्लिनिक का है। अभी थोड़ा बहुत सेटअप बाकी है बट किसी दिन या किसी वीडियो में मैं अपने आपको अपनी न्यू क्लिनिक का टूर ज़रूर करवाऊंगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे हेयर ग्रोथ के बारे में कि आप अपने जो हेयर को रीग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उनके जो उनको मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उनको गिरने से कैसे बचा सकते हैं और जो बाल गिर चुके हैं उनके स्थान पर अगर नए बाल नहीं आ रहे हैं तो उसको आप कैसे ला सकते हैं। सो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिनको यूज़ करके आप अपनी जो हेयर की रीग्रोथ है उसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। दोस्तों, हमारे स्कैल्प के जो हेयर होते हैं उनका जो ग्रोथिंग पीरियड होता है वो 2 से 4 साल का होता है। 2 से 4 साल तक हमारे जो सिर के जो बाल है वो बढ़ते हैं, निकलते रहते हैं एंड 2 से 4 महीने के लिए वो स्टॉप हो जाते हैं, मतलब उनका ग्रोथिंग पीरियड स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जो पुराने हेयर्स हैं वो 2 से 4 महीने में झड़ते हैं और उसके स्थान पर नए हेयर्स आते हैं। ये जो साइकिल है वो रिपीट होता रहता है और दिन भर में या आप 90 से 80 जो बाल के स्ट्रैंड होते हैं वो झड़ते हैं। ये नॉर्मल साइकिल है हमारे हेयर के उगने की और उसके फॉल होने की। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हेयर, इससे ज़्यादा आपके बाल गिरे और बाल गिरने के बाद उसके स्थान पर नए बाल नहीं हैं तो उसको हेयर फॉल कहते हैं। हेयर फॉल क्या होता है, उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, वो मैंने आपको सब प्रीवियसली डिटेल में अपने प्रीवियसली वीडियो में बता रखा है। सो आज हम उस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि हेयर ग्रोथ आप अपने बालों की कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हमारे होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है जिसको यूज़ करके आप अपने जो बालों की को रीग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको टोटल हेयर के फॉर्मूला बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम में तो निजात पा ही सकते हैं, आप अपने हेयर ग्रोथ में भी ये आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है विस्पेडन 200 हमारे रीग्रोथ के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये हमारे जो हेयर हैं उनको जो रैपिडली हेयर रीग्रोथ में बहुत ही अच्छा मदद करती है। इसकी आपको 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेनी है या ग्लोबुल से मेडिकेट करके ले सकते हैं, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। हमारे टोटल हेयर केयर फॉर्मूले की जो हमारी पहली मेडिसिन है वो है एम्ब्रोशिया क्यू, सेकेंड जो मेडिसिन है वो है अम्बलिका ऑफेनलिस क्यू एंड थर्ड जो मेडिसिन है वो है चियोनंथस अमेरिकाना क्यू, फोर्थ जो मेडिसिन है वो है ब्राह्मी क्यू। इन चारों को आपको इक्वल अमाउंट में मिक्स करना है और एक साफ और अनदर शीशी में ले लेना है। इसके बाद जो आपको इस मेडिसिन का, इस मदर टिंजिया का जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसकी आपको 10 बूंद आर्निका मोंटाना क्यू हेयर ऑयल होता है उसमें मिक्स करनी है। एक बाउल में आपको ऑयल लेना है अपने हेड के अकॉर्डिंग, जितना आपके हेड में कंज्यूम हो जाए उतना आप हेयर ऑयल लीजिए। मान के चलिए 2 से 3 टेबल स्पून हेयर ऑयल आपको लेना है, उसमें 10 बूंद आपको इस फाइनल प्रोडक्ट की मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद जो आपको उसको जेंटली अपने हेड पे मसाज करना है, आपको जो फिंगर पोर्स होते हैं उनसे आपको जेंटली रब करना है, बहुत ही हार्श रब नहीं करना है। इस प्रोसेस को आपको दिन में 2 बार रिपीट करना है, सुबह और रात में सोते समय। ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगी आपके हेयर फॉलिंग में और हेयर फॉलिंग के बाद जो आपके हेयर रीग्रोथ में भी बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। इसके साथ साथ अगर किसी को चक्कर या सर में दर्द की प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत ही अच्छा रिलीफ करेगी। तो ये थी कुछ मेडिसिन और जिसको यूज़ करके आप अपने हेयर रीग्रोथ में इफ़ेक्ट में बहुत अच्छा रिलीफ पा सकते हैं, आपका हेयर रीग्रोथ बहुत अच्छे से हो सकता है। इस मेडिसिन के साथ साथ आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि आपको अपने हेयर मेडिसिन के साथ साथ अपने आप में या अपने शरीर में कैसे बदलाव लाना है, अपने डेली रूटीन में, अपने खान पान में, तभी मेडिसिन ज़्यादा अच्छा इफेक्ट कर पाएगी। तो होप वो आपको
जानकारी होगी, और अगर नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। तो होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।